हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मॉम्स किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए के आई हूँ ये बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, एकदम कम ऑयल में। तो ये कच्चे चावल की नाश्ता है और हरी मटर का। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 1 कप चावल। तो ये चावल पतला है, आप चाहे तो मोटा भी ले सकते हैं। और इसको हम लोग पीस लेंगे, इसका आटा बना लेंगे। तो ये देखिए, ये स्मूथ सा मैं पीस ली हूँ, एकदम इसका फाइन पेस्ट कर ली हूँ। तो मैं यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा डाली घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और इसके बाद मैं डाल रही 1 पिंच जितना अजवाइन, तो इसको घी में डाल देंगे। और मैं डाल रही 1 गिलास पानी। अब इसके बाद डाल देंगे हम लोग चावल का आटा जो हमने बना के पहले रखे थे, तो इसको डाल देंगे। तो इसको चम्मच की सहायता से पानी में चावल के आटा को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पानी हमारा सूख चुका है। तब यहाँ पर गैस को कर देंगे बंद और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में यहाँ पर निकाल लिया। अब इसको हम लोग रखेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम लोग दूसरा तैयारी कर लेते हैं इसके स्टफिंग का। तो मैं यहाँ पर ली हूँ बॉयल 4 आलू। तो इसको मैश कर लेंगे फोर्क की सहायता से, या आप हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालू नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। और यहाँ पर मटर है, जो कि मटर है पहले से मैं रखी थी बॉयल करके, तो बॉयल किया हुआ मटर है। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे सभी चीजों को। तो ये देखिए, यहाँ पर हो चुकी है मैश। इसको साइड में रखती हूँ। तो आटा हमारी हो चुकी है ठंडा। तो मैं हाथ में थोड़ा सा लगा ली ऑयल ताकि हाथ में चिपके ना। और थोड़ी सी लेंगे और इसको राउंड राउंड करके एक बॉल की तरह बनाएंगे और इसको हाथ से प्रेस करेंगे, जैसे हम रोटी बनाते उसी तरह से। और इसका भी छोटा सा बॉल की तरह बनाएंगे और इसमें भर देंगे। तो एक के ऊपर मैं भर दी थी और दूसरा उसी के ऊपर डाल के इसको चारों तरफ से कर देंगे बंद इस तरह से। तो बाकी भी इसी तरह से हम लोग कर लेंगे।
तो ये देखिए ये हो चुकी है। इसी तरह से सारे कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पूरा कर ली हूँ। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। हम लोग इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो उसी पैन में मैं थोड़ी सी डाली ऑयल। और इसको चारों तरफ फैला लेंगे। और हम लोग ये स्टफिंग किया हुआ चावल और आलू को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ढक कर के पकाएंगे, बस कुछ ही मिनट के लिए, लगभग 2 मिनट तक ही इसको पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुकी थी तो इसको पलटा देंगे, दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम लोग पका लेंगे। तो फिर से इसको ढक देंगे। तो दूसरी तरफ भी पक चुकी थी। तो अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसी तरह से बाकी बचा हुआ को भी कर लेंगे फ्राई। तो ये देखिए हमने कर लिया था फ्राई बाकियों को भी। तो यही थी आज की हमारी रेसिपी। तो आपकी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको सॉस में डिप करके बताती हूँ। आप चाहे दूसरी चटनी के भी साथ खा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।